बागेश्वर धाम में एक 10 साल की बच्ची की मौत पर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए जिले के डीएम एसपी से रिपोर्ट मांगी है। बच्ची की मौत मामले में आयोग ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक छतरपुर से रिपोर्ट तलब की है। बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर से एक माँ अपनी बच्ची को लेकर बागेश्वर धाम पहुँची थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बच्ची को भभूति भी दी और परिजनों से कहा था कि ये शांत हो चुकी है, इसे ले जाओ। बताया गया है कि बच्ची की मौत के बाद बच्ची को सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं मिली। इसके बाद परिजन बच्ची को 11,500 रुपए में प्राइवेट एम्बुलेंस से राजस्थान ले गए। मृतक बच्ची का नाम विष्णु कुमारी है। वो 17 फरवरी को बागेश्वर धाम आई थी। परिजनों के अनुसार उसे मिर्गी के दौरे आते थे। चमत्कार की बात सुनकर वो बागेश्वर धाम आई थी। बच्ची को आते थे मिर्गी के दौरे। परिजनों ने बताया कि बागेश्वर धाम में बच्ची को मिर्गी के दौरे आ रहे थे। रात भर बच्ची सो नहीं पाई थी। दोपहर में उसकी आंखें झपकी तो परिजनों ने समझा बच्ची सो गई है। शरीर में हलचल न होने के बाद उन्हें आशंका हुई तो वो उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। अब इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने छतरपुर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।